मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। काफ़ी अच्छा दिन है आज सुबह, काफ़ी अच्छी ठंडी ठंडी है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अभी मैं निकल गया हूँ दफ्तर की ओर और आज है कैजुअल डे क्योंकि आज फ्राइडे और कल फोर्थ सैटरडे है, तो कल छुट्टी रहेगी हमारी, तो आज हमें कैजुअल पहन के जाना पड़ता, तो मैंने पहना आज पर्पल। और अभी मैं निकल गया हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है, मौसम बहुत अच्छा है, धूप भी काफ़ी अच्छी लग रही है। और अभी हम दफ्तर की ओर निकल चुके हैं, दफ्तर जाएंगे और आपको दिखाते हैं आज क्या करने वाले, बने रहिए। दोस्तों ये खड़े भाई लोग इंतजार कर रहे हैं लोकल का, पर अभी आई नहीं है लोकल, आएगी भी नहीं लगता है, आएगी भी नहीं, आएगी भी नहीं। तो दोस्तों मुंबई में काफी सारी लोकल कैंसिल हो गई हैं, है ना, कितनी हुई हैं आज? हुई है 260 260 लोकल, 130 आने का कैंसिल हो गया। बाप रे, 260 लोकल कैंसिल। कोई ट्रेवल कर रहे हैं जो नए आए हैं, उन लोग देख ले पहले कि कहाँ से कहाँ जाना है, कहाँ से नहीं जाना है, क्योंकि काफी सारी हर्बल लाइन कैंसिल हुई है क्योंकि नया ट्रैक बन रहा है, वो भी ट्रायल में है। तो 260 लोकल कैंसिल है, तो सोच समझ के निकलिएगा। और हमारी भी लोकल कैंसिल, काफ़ी देर से हम इंतज़ार कर रहे हैं पर लोकल आ नहीं रही है, इन लोग भी खड़े होकर वेट कर रहे हैं, अब आएगी पर। और आ भी गई ना, इतनी गर्दी है कि पिसक जाएंगे, सैंडविच बन जाएंगे आज। भाई मैं बता दूं, गर्दी का मतलब होता है भीड़। तो दोस्तों गर्दी है यहाँ पे, काफ़ी बढ़ती जा रही है कंटिन्यू, देख सकते हैं सब आते जा रहे हैं, ये देखिए पीछे जा रहे हैं। तो बस अब देखते हैं जो मिल जाए उससे ही निकलना है, दफ्तर तो जाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ट्रेन हो चुकी है कैंसिल इस प्लेटफॉर्म में, तो दोस्तों भीड़ देख सकते हैं आप लोग, ट्रेन हो चुकी है कैंसिल, देखिए कितने सारे लोग इकट्ठा हो चुके हैं और बैक टू बैक आते जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं भीड़ कितनी सारी, मतलब जगह नहीं है फिर भी लोग चढ़ रहे हैं और लटक के जा रहे हैं। मैं तो जा ही नहीं सकता, इसमें पॉसिबल ही नहीं है। ये हमारी दूसरी या तीसरी ट्रेन है, शायद तीसरी है, जिसमें ये देखिए ये भी निकल गई, अब हमने हार मान ली है और हम जा रहे हैं अब यहाँ से, तो अब हमसे नहीं हो पाएगा, भीड़ बहुत बढ़ती जा रही है। कुछ लोग वीडियोग्राफी भी कर रहे हैं जैसे मैं भी कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको। और ये ऊपर से नज़ारा है, आप देख सकते हैं, ये अभी थोड़ा कम दिख रहा है क्योंकि ये दूसरे वे में जाने मान लिया हार, अब हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमें चढ़ने नहीं मिल रहा है। और अब हमको करना पड़ेगा कैब, कैब से जाना पड़ेगा दफ्तर क्योंकि हो गया है माहौल बिगाड़। भाई बहुत भीड़ है यार, सारी ट्रेनें कैंसिल और भीड़ बहुत ज़्यादा है, हर ट्रेन एक विराट ट्रेन का रूप ले चुकी है, यहाँ पे विराट ट्रेन बहुत फेमस है। तो अभी हमें ऑटो भी नहीं मिल रहा है, काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं ऑटो का पर मिल नहीं रहा, सारे भरे आ रहे हैं। तो दोस्तों आ गई कैब, जब सामने लेके आ गए हैं, फाइनली मिल गई है भाई। चलो भाई दोस्तों हम लोग बैठ चुके हैं कैब में, हमारी लोकल हो गई है सारी कैंसिल, आज बहुत ही भीड़ थी और मिल भी तो नहीं रही। गाइस आज हमने जोगेश से कैब करना पड़ा हमें क्योंकि हमारी ट्रेन सारी कैंसिल हो चुकी है और बहुत ज्यादा रास्ता है, आपको आप पूरा वीडियो देखना तो आपको उसमें पूरा रास्ता दिखाई देगा। तो गाइस बहुत ज्यादा 11:30 लग जाएंगे, कितने किलोमीटर दिखा रहा है अभी? तो 23 किलोमीटर है, 23 किलोमीटर और टाइम दिखा रहा है 1:32। एक घंटा 32 मिनट, अरे बाप रे, भीड़ भी है भाई और पूरा लाल है, क्यों पूरा लाल मैप में दिख रहा, लाल पूरा देख सकते हैं और काफ़ी भीड़ देख सकते हैं आप बाहर, कितनी भीड़ है, बहुत भीड़ है, सब जगह भीड़ ही भीड़ है आज। दोस्तों लगभग आधा घंटे से ज़्यादा हो गया और अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 किलोमीटर ही आए हैं, काफ़ी ट्रैफिक है ना भाई, बहुत भीड़ है यार। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, ऑटो गाड़ियाँ सब चल रही है, तो देख सकते हैं सामने काफ़ी ज़्यादा भीड़ है भाई। अभी कितना टाइम दिखा रहा हूँ वहाँ पे, एक घंटा और अभी और अभी तो सिर्फ, तो क्या हम ऑफिस पहुँच पाएंगे? तो दोस्तों कमेंट करके बताना कि क्या हम दफ्तर पहुँच पाएंगे कि नहीं, जरूर कमेंट करके बताओ और लाइक करो, शेयर करो हमारा स्ट्रगल। तो दोस्तों काफ़ी भीड़ हुई है, अभी तक हम पहुँचे नहीं हैं, अभी थक गए, ये तो इंस्टाग्राम में रील्स देखने लगे भाई, बोर हो गया बाहर। तो अभी आया वर्ली सी लिंक रोड में हम, और आपको दिखाना चाहते हैं हम क्या शानदार व्यू आ रहा है, एक मिनट रुकिए देखिए। तो दोस्तों ये है मुंबई का वर्ली सी लिंक रोड, काफ़ी शानदार लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम कहीं विदेश शहरों में आ गए, जैसे न्यूयॉर्क या लंदन, वाओ।
गाइस बहुत टाइम हो गया, मेरे को तो नींद आ रही है यार, कभी हम लंच में ही ना पहुंचे हो। तो दोस्तों अभी सिर्फ वर्ली सेलिंग पहुंचे हैं, यहाँ से थोड़ी दूरी बचा है ऑफिस पर, थक चुके हैं अभी, पता नहीं कब पहुंचेंगे। यार हालत खराब हो गई है बहुत ज़्यादा। तो सामने नज़ारा देख सकते हैं आप सब कोई, कितना शानदार लग रहा है, मतलब अमेजिंग, क्या बिल्डिंगें दिख रही हैं, ऐसा लग रहा है कहीं बाहर है हम लोग, एकदम शानदार लग रहा है देख के, एनर्जेटिक आ गए, फिर से एनर्जी आ गई, मतलब बहुत पॉजिटिव वाइब दिख रही है सामने, एकदम ब्राइटनेस आंखों में, खूबसूरती झलक रही। दोस्तों तो 27 मिनट अभी और है, 6.5 किलोमीटर बचा है, काफ़ी टाइम से हम सफ़र कर रहे हैं और ट्रैफिक बाहर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये भी इंतज़ार कर रहा है कब ट्रैफिक ख़त्म होगा ये आगे चले, तो बैठ के वेट कर रहा है, देख सकते हैं आप, काफ़ी भीड़ है, देख सकते हैं ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ है और वेट करते हुए ट्रैफिक अभी भी लगा हुआ है, पर यहाँ पे हम बच गए क्योंकि वो राइट साइड में था। और ये देखिए G20 समिट क्या शानदार हुआ था, ये हमारा स्टेशन है मुंबई सेंट्रल जहाँ हम आते हैं, 10:43 भाई। तो दोस्तों हम लोग कितना पे करके, अरे भैया 7:43। काफ़ी देर बाद हम दफ्तर पहुँचे हैं और बहुत टाइम लग गया है, तो अब हम जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं आगे जाके क्या होता है। तो दोस्तों जैसे सुबह काफ़ी भीड़ थी और शाम को थोड़ा खाली हो गया है मॉल, ठंडा पड़ गया है और आप काफ़ी आराम से बैठे देख सकते हैं, दिखा दो एकदम पूरा खाली पड़ा हुआ है, तो कोई नहीं है, अभी आराम से घर जा रहे हैं, दफ्तर से निकल चुके हैं और घर पहुंच के आपको दिखाएंगे क्या। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं दफ्तर से घर, काफ़ी मशक्कत से गए थे आज क्योंकि काफ़ी सारी लोकलें बंद हो गई, लगभग 250 से 300 लोकल बंद हो चुकी है मुंबई में, कुछ नया रूट ट्रायल बेसिस में चला उसके कारण कुछ इशू हुआ है। अच्छा लगा आते टाइम, जाते टाइम तो बिल्कुल नहीं लगा था, बहुत ही टाइम लगा आज जाने में, आप देख सकते हैं ब्लॉग में, तो अभी जो करेंगे दिखाएंगे, बाय। तो दोस्तों ये बन रहा है बैंगन का भरता, काफ़ी अच्छा लग रहा है, देखिए सब सब्जियां कट के रखी हुई हैं। सियाद भाई ने दो तरह का चोखा बनाया है बैंगन का, एक ये कौन सा है, ये बैंगन का है, बैंगन और टमाटर मिक्स है इसमें। ओके, और ये है आलू के साथ टमाटर का है, मैं एक्चुअली ये मैं नहीं खाता ना बैंगन, तो मैं भाई ने अपने लिए ये बनाया है, दो तरह के चोखा बनाया और एक चीज और दिखा, क्या है भाई, ये सत्तू का फीलिंग है जो अभी इसके अंदर जा रहा है और फिर इसको हम दो तरह से कर सकते हैं, फ्राई भी कर सकते हैं और आग पे भी सेकते हैं। अच्छा, आग का यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते हम लोग क्योंकि हम फ्लैट में रहते हैं, हाँ। तो हम इसको डीप फ्राई करेंगे ये फिलिंग करने के बाद, तो एक बार फिलिंग करके दिखा। दोस्तों मैंने ले लिया है ये, इसको लोई बोलते हैं, अब इसका मैं बनाऊंगा लिट्टी। तो कैसे मैं बनाने वाला हूँ, पहले इसको गोल गोल करूंगा, फिर इसमें बीच में उंगली डालूंगा, ऐसे ऐसे करने के बाद ये धीमे 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 इसके अंदर गैप आ जाएगा, देख सकते हैं। अभी अच्छी बन रही है, क्या शानदार, एकदम फर्स्ट टाइम में भाई बंदा बना रहा है, अच्छा क्या ट्रेनिंग ले रहा है क्या आजकल भाई, मैं प्रो हूँ, मैंने बताया नहीं था ये मेरा राज है। तो दोस्तों अभी मैं फिलिंग करने वाला हूँ, देख सकते हैं इसमें मैंने ये फिल किया, थोड़ा सा और लूंगा, थोड़ा सा बस और बन चुका है, ये बन गया लिट्टी भाई, फर्स्ट टाइम इतना अच्छा बना दिया। तो हम अभी डीप फ्राई करेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि बक्सी का कैसा बना है भाई। बन गया, अब ये डीप फ्राई करके भी दिखा सकते हैं, क्या मस्त जा रहे हैं और बढ़िया गर्मा गर्म बन रहे हैं, क्या बात है। दोस्तों देख सकते हैं ये हो रहा है अभी डीप फ्राई, काफी अच्छा लग रहा है, ये लिट्टी पड़ी हुई है इसके अंदर, सत्तू का मिक्सचर डाला हुआ है, पेस्ट डाला हुआ है, काफी फेमस है ये बिहार में, बिहार की काफी खासियत है इसमें। तो सियाद भाई बना रहे हैं, देख सकते हैं इसका रंग रूप बदल रहा है, ये थोड़ा थोड़ा अभी ब्राउनिश हो रहा है, गोल्डन ब्राउनिश, तो जब ये पक जाएगा इसको टाइम लगता है, इसको धीमी आंच पे पकाते हैं ना, तो धीमी आंच पे पक जाएगा ये, फिर ये बन जाएगा, फिर हम खाएंगे। तो दोस्तों बन गया है ये है लिट्टी, ये चोखा किसका, ये आलू का चोखा, ये आलू का चोखा और ये बैंगन का चोखा, आलू का चोखा, हाँ। तो ये सर मैं अभी टेस्ट करने वाला हूँ, पहला बाइट लेने वाला हूँ, तो दोस्तों अभी पता चलेगा कैसा लगने वाला है ये। तो इसमें डिप करना है, ओ चेंशा इसको डिप करना है, डिप नहीं करना, तोड़ो ना, अच्छा तोड़ के खाते हैं, सॉरी भाई मैं डायरेक्ट खा रहा था, भाई कचौड़ी जैसा लग रहा है, एक मिनट, हाँ मेरे को तोड़ना पड़ेगा। तो देखिए गाइस ये स्टफिंग दिख रही है यहाँ से अंदर, इसको मैंने तोड़ा अभी, इसको यहाँ पे ऐसे लिया और दूसरा वाला ये जो है ये ऐसे लिया, अब मैं इसको खाने वाला हूँ। भाई यार गरम गरम मजा आ गया भाई, बहुत टेस्टी, मैं तो पूरा खेल खाने वाला हूँ, खाते जाओ बस, मजा आ गया भाई, मजा आ गया बिहार।